आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार यदु, शिक्षक शासकीय नवीनपुर माध्यमिक शाला भोथीडी से। प्यारे बच्चों एवं सम्मानीय शिक्षक साथियों, आज हम एक ऐसे पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस पाठ में हमें पता चलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत के वीर जो शहीद थे उसने किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को किया, क्या क्या बलिदान किए। वे तमाम घटनाएं जो हम सबके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत कर दे, ऐसी ही एक रोचक घटना जिसको आज के हमारे पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है शहीद की माँ। नेक्स्ट। यह जो पाठ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उससे संबंधित चीज़ों को इसमें बताया गया है। ये जो पाठ है रामप्रसाद बिस्मिल जी के जीवन से संबंधित है। रामप्रसाद बिस्मिल और उसकी माँ के बीच जो संवाद होता है उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं रामप्रसाद बिस्मिल पर। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिला में हुआ था। रामप्रसाद जी के पिता का नाम श्री मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। और रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, आगे हम आपको उस जेल को भी दिखाएंगे जिस जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को रखा गया था, उस जेल की कोठरी को भी दिखाएंगे जहां पर रामप्रसाद बिस्मिल थे। तो 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर लटका दिया गया। अब रामप्रसाद बिस्मिल जी, नेक्स्ट, रामप्रसाद बिस्मिल जी को सजा क्यों हुई, जेल में क्यों रखा गया, ये तमाम घटनाएं जो है उस समय की है जब रामप्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ काकोरी नामक स्थान पर एक सरकारी ट्रेन को रोककर वहां से खजाना लूट लेते हैं। और जो ब्रिटिश जो सैनिक थे उसने रामप्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और गोरखपुर जेल में लाकर जो है उसको रख दिया जाता है। आगे नेक्स्ट। ये जो संपूर्ण जो घटना है जेल दृश्य है, रामप्रसाद बिस्मिल जो है जेल में कोठरी में रहते हुए मस्ती में गा रहे थे और वो जो गीत है जिसको रामप्रसाद बिस्मिल जेल की कोठरी में हमेशा गुनगुनाते रहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। आइए हम इस गीत को जो रामप्रसाद बिस्मिल जी हमेशा गुनगुनाते रहते थे उसको हम जो है सुने।
जी हाँ, यही वो गीत है जिसको राम प्रसाद बिस्मिल जी जेल की कोठरी में रहते हुए हमेशा गुनगुनाया करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में। ये गीत गुनगुनाते रहते हैं और चलते रहता है, और गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर साहब जो है वो अंदर प्रवेश करते हैं, और जेलर जो है वो भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में एक अपनापन है, एक प्यार है, एक स्नेह है, और वो जो है राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को अंदर आकर कहते हैं, जेलर साहब कहते हैं प्रवेश करते हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो बिस्मिल जी कहते हैं मुस्कुराते हुए जेलर साहब की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। तो जेलर साहब कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है। अब ये सुनकर जेलर साहब की बातों को कि मुझसे मिलने आया है, वो भी एक दिन पहले जब मुझको कल फांसी पर लटकाने वाला है। तो बिस्मिल ने पूछा कि मुझसे मिलने कौन आया है। तो जेलर साहब जो है वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ है। अब जैसे ही बिस्मिल ने अपनी माँ का नाम सुना कि मेरी माँ जो है मुझसे मिलने के लिए आई है, तो वो कुछ समय के लिए सोचकर उदास हो जाते हैं और घबराने लगते हैं, और बोलते नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रामप्रसाद बिस्मिल कैसा बेटा है, एक दिन पहले उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई है और वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाह रहा है। आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। तो बिस्मिल जी जानते थे अगर मैं अपनी माँ से मिलूंगा, वो भी मेरी मौत के एक दिन पहले, तो मेरी माँ के हृदय में जो बीतेगा वो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, और मेरी माँ भी उन तमाम दृश्यों को देखकर शायद उसका हृदय पिघल जाए, वो द्रवित हो जाए और उसके आंसू जो है मुझको मेरे कामों से डगमगा दे। तो जेलर साहब बोलते हैं आश्चर्य से, माँ से नहीं मिलोगे, ये आप क्या कह रहे हैं। तो बिस्मिल बोलते हैं हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँ, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। अब जेलर साहब ने पूछा लेकिन क्यों, कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम जो हो आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। तो बिस्मिल जी का जवाब देखिए यहाँ पर। बिस्मिल जी कहते हैं मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा इसे आप नहीं जान सकते। सही बात है, उस माँ जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, और वो बेटा एक दिन बाद देश के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाला है, तो क्या बीतेगा उस माँ के ऊपर अपने बेटे को फांसी पर लटकते हुए देखकर। इसलिए बिस्मिल जी जो थे वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं इसे आप नहीं जान सकते, और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे। कौन सी चीज का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उन चीजों को जिसका जो है सपना रामप्रसाद बिस्मिल हर रोज देखा करते थे। उसका सपना क्या था, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पण करना, और वो घड़ी उसके समीप आ चुका था, उसके निकट आ चुका था, और वो नहीं चाहता था कि उसके कर्तव्य के मार्ग पर कोई भी अड़चन आए, चाहे वो अड़चन जो है भावनात्मक हो, चाहे माँ का प्रेम हो, चाहे कुछ भी। वो कहते हैं मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे, क्योंकि तो माँ की ममता जो है बड़े बड़े को पिघला देती है। तो बिस्मिल नहीं चाहता था कि वो माँ के सामने हार जाए, एक तरफ उसकी खुद की माँ और दूसरी तरफ हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, जिसके लिए जो है राम प्रसाद बिस्मिल अपने प्राणों को अर्पण करने वाले। अब देखिए यहाँ जेलर साहब जो यहाँ पर व्यंग करते हैं, और व्यंग करते हुए कहते हैं इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, रामप्रसाद बिस्मिल के जवाबों को सुनकर जेलर को लगेगा ही कि रामप्रसाद बिस्मिल कहीं अपने कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब बिस्मिल जी कहते हैं
नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूं और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन जब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। आप देखिए यहाँ पर जेलर और रामप्रसाद बिस्मिल के बीच ये बातचीत चल रहा है, ये संवाद चल रहा है। एक तरफ जो है जेलर कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई है और तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर रामप्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं नहीं, मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता, है ना। तो ये जो चीजें हैं, चलते रहता है बातचीत जेलर और रामप्रसाद बिस्मिल के बीच। और उसी समय एकाएक उसकी जो माँ है, वृद्ध माँ है, साधारण वेशभूषा में जेल के अंदर उस कोठरी के पास जहां पर रामप्रसाद बिस्मिल को रखा गया था, वहां पर प्रवेश करते हैं। अब देखिए माँ आते हैं और माँ जो है प्रवेश करते हुए अपने बच्चे से कह रहे हैं, क्या कह रहा है रामप्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा, तू जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर तो कहना। मतलब माँ आते ही अपने बच्चे से कह रहा है कि माँ को लग रहा है कि देश का ऐसा दीवाना बना मेरा बेटा कि अपनी जन्म देने वाली माँ को भूलने लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल जो है अपने माँ से सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहता था ताकि उसके जो है मार्ग में, बलिदान के मार्ग में कोई अड़चन ना आए। तो बिस्मिल ने आश्चर्य से अपनी माँ से कहा, माँ तुम? फिर माँ बोलते, हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को भी पहचान नहीं सकता? बिस्मिल बोलता है, ऐसा मत बोलो माँ। अब माँ जो है अपने बच्चे से कहते हैं, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाह, जबकि ऐसा नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी माँ से मिलकर जिस राह पर मैं चला हूँ उस राह पर कोई बाधा आया है, उस राह पर कोई अड़चन आए। इस कारण से रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने माँ से मिलना नहीं चाहते थे। तो बिस्मिल कहते, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो। अब देखिए यहाँ पर कोई बात चलती रहती है और हमारी पाठ्य पुस्तक पर ये देश देश देश, मतलब इसके बाद जो है बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद जो है बात आगे बढ़ने वाली है। ऐसी कुछ बातें जो हम बोलना चाहते हैं और बोलते बोलते रुक जाते हैं, तो इस चीज़ों को यहाँ पर समझना है आपको, है ना। तो मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो। अब मैंने तो मतलब इससे पहले जो बात चल चुका है, रामप्रसाद बिस्मिल के मन में जो बात थी वो बातें यहाँ पर शामिल हो जाएगी। तो रामप्रसाद बिस्मिल की बात चल ही रही थी और माँ जो है बात काट कर स्नेह से, प्यार से अपने बच्चे से कहते हैं, अरे अब रहने भी दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा। रामप्रसाद बिस्मिल की माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, मैं अपने बेटे को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, क्या तुमने मुझे अन्य स्त्रियों की भांति साधारण स्त्री समझ रखा है? ऐसे जो है रामप्रसाद बिस्मिल की माँ अपने बेटे से कह रही, वो कहते हैं, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगे, परनाले के मतलब होता है आंसू, मेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। बिस्मिल ने कहा, हाँ माँ मेरा मतलब यही था। लेकिन आगे जो है रामप्रसाद बिस्मिल की जो माँ है अपने बच्चे को समझाएगा, कहेगा, है ना, कि क्या क्या होता है। चलिए कुछ चित्र आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही जगह है जिस जगह पर रामप्रसाद बिस्मिल को, जिस जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को रखा गया था। पहले वाले चित्र में आपको गोरखपुर का जेल दिख रहा है, इस गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को रखा गया था। ध्यान से देखिए वो जगह, वो पवित्र स्थान जहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल ने अपना समय बिताया था। दूसरा जो चित्र है उसी से लगा हुआ, उसमें आपको एक रूम टाइप का दिख रहा है, ये कोठरी है जिस कोठरी के अंदर रामप्रसाद को रखा गया। पहला जेल है पूरा एक जेल,
गोरखपुर का जेल है जहाँ रामप्रसाद बिस्मिल थे, और दूसरे चित्र में आपको उस जगह को दिखाया गया है जिसके अंदर रामप्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट, और फिर अगला आपको दिख रहा है वो जगह जिस जगह पर रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर लटकाया गया, ये वही जगह है जिस जगह पर रामप्रसाद बिस्मिल जी है ना अपनी अंतिम सांसें ली थी, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पण किया था, ये वही पावन जगह है। और दूसरा जो चित्र है जिसमें आपको दिख रहा है बिस्मिल स्मृति भवन करके, वो संपूर्ण जो जेल उसके अंदर की कोठरिया, वो जेल का जो है स्थान जहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाया गया था, उसको बिस्मिल स्मृति भवन के रूप में अब जो है रख दिया गया है। ये संपूर्ण जगह रामप्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ जो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, माँ बेटे का बातचीत चल ही रहा था, माँ अपने बेटे को समझा रहा है कि तो पगले मुझे साधारण स्त्रियों की तरह समझ रखा है, और रामप्रसाद बिस्मिल नहीं चाहता था अपनी माँ से मिलना, फिर भी उसकी माँ आ जाती है। अब देखिए माँ फिर आगे अपने बच्चे से क्या कहता है, माँ बोलते हैं पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका, जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही तो माँ नहीं, बहुत बड़ी बात है। रामप्रसाद बिस्मिल की माँ रामप्रसाद बिस्मिल से कह रहे हैं कि जिस मातृभूमि के लिए तू कुर्बान होने वाला है वह अकेले तेरी ही माँ नहीं है, वो तो मेरी भी माँ है, हमारे सभी बुजुर्गों की माँ है, और उन हर भारतवासियों की माँ है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, इस सारे देश की माँ है। तो बिस्मिल कहते हैं माँ मैंने समझा था, कि बिस्मिल को डर था ना कि मैं अपनी माँ से मिलकर उसकी माँ जो है द्रवित हो जाएगी, उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगेगी और वो आंसू रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान होने के मार्ग पर अड़चने रुकावटें उत्पन्न करेगा, बट ऐसा नहीं था। अब माँ अपने बच्चे से कह रहे अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना रामप्रसाद बिस्मिल से कह रहा है उसकी माँ कि बेटा तूने मुझे साधारण स्त्री समझ रखा है, तूने या ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। देखिए आज हम अपने बच्चे को बहुत सारे चीज सिखाते हैं, बहुत सारे चीज बताते हैं कि बेटा ये करना, बेटा ये बनना, बेटा इस मुकाम को हासिल करना, लेकिन उसके अंदर जो है हम वो चीज शामिल नहीं कर पाते जिसको हमको करना चाहिए। तो रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने अपने बेटे को बचपन से ही सिखाया था त्याग वीरता और देश प्रेम, ये वो तीन चीज है, और इन्हीं तीन चीजों की बदौलत रामप्रसाद बिस्मिल जो है अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए आगे बढ़ा। उसके अंदर त्याग की भावना थी, उसने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार, अपना जो है उस माँ जिस माँ ने उसको जन्म दिया, उसके अंदर वीरता थी, साहस था, तभी तो उसने काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाना को लूटा, और उस खजाना को लूटने के कारण ही जो है उसको जेल में रखा गया और फांसी की सजा हुई। उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी, ये संपूर्ण जो चीज है जो उसने काकोरी कांड किया है ना और अपने प्राणों को बलिदान करना चाह रहा है, ये किसके कारण है, देश प्रेम के कारण है, मातृभूमि के लिए प्रेम के कारण है। तो ये तीन चीज रामप्रसाद बिस्मिल के अंदर कूट कूट कर दी गई थी। आगे उसकी माँ कहती है आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा, सही बात है, उसकी माँ तो शुरू से यही चाह रही थी कि उसका बेटा जो है उस मुकाम को हासिल करे, उस जगह में प्रतिष्ठित हो जाए जिस जगह पर हमारे देश के अन्य क्रांतिकारियों ने हासिल किया। अब वो अपने बच्चे से कहते हैं आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए खुशी का दिन है क्योंकि उसका बेटा जो है अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाला है। तो बिस्मिल कहते हैं मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ, कैसे विचारों के लिए, उन विचारों के लिए जिस विचारों के कारण रामप्रसाद बिस्मिल जो है अपने माँ से मिलना नहीं चाहता था, उसको ये नहीं पता था कि जितना वीर, जितना साहस, जितना त्याग, जितना समर्पण रामप्रसाद बिस्मिल के अंदर है उससे कई गुना ज्यादा रामप्रसाद की माँ के अंदर वो त्याग और समर्पण है।
एक माँ अपने बच्चे को खुद अपनी मातृभूमि के लिए अर्पण कर रहा है, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? इससे बड़ा चीज और हमें क्या देखने को मिल सकता है? नेक्स्ट। अब माँ जो है अपने बच्चे से कह रहे हैं, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस न कर, किसी चीज का तू ये मत सोच कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर पाया, मैं अपने परिवार वालों को खुश नहीं कर पाया, ऐसा ना सोच। तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों। धन्य है वो माँ जिसकी, देखिए आप यहाँ पर उस माँ की सोच देखिए, अपने एक बेटे को अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान तो कर ही रहा है और उसके साथ ही वो कह रहा है कि अभी मेरा दूसरा बेटा इतना छोटा क्यों है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने बच्चों को ऐसी अर्पण करे। बिस्मिल कहता है, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे। सही बात है, राम प्रसाद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसके बलिदान को आज पूरा हिंदुस्तान जिसके बलिदान के सामने नतमस्तक है, और उसकी उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान का ही ये परिणाम है कि आज हम आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में चैन और सुकून के साथ अपना समय बिता रहे हैं। तो उन महान क्रांतिकारियों का योगदान का ही परिणाम है। तो राम प्रसाद कह रहे हैं कि माँ मेरे इस बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश गुलामी के चुंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सके। हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम। तो यहाँ पर राम प्रसाद कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं बलिदान हो जाऊंगा तो मेरी मातृभूमि जो है आजाद हो जाएगी, और ये जो लहलाती जो जमीन है वो हमारी अपनी होगी, ये स्वतंत्र भारत हमारा अपना होगा जिसमें हमारे भारत के लोग खुशहाली के साथ, उन्नति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। अब ये अपने बच्चे की जो बातों को सुनकर माँ कहती है, कितना शुभ दिन होगा वह दिन। तो बिस्मिल बोलता है, हाँ माँ मेरी एक इच्छा है। अब देखिए राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, अंतिम इच्छा। तो माँ जो है अपने बच्चे से कहता है, बोल बेटे क्या इच्छा है, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा राम प्रसाद बिस्मिल कोई ऐसी इच्छा जो है अपनी माँ से कहेगी, है ना, कुछ डिफरेंट चीज़ यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से जो है मांगने वाला है। बिस्मिल कहते हैं, जब आज़ादी का पहला उत्सव मनाया जाए, जब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो जाए और आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा उत्सव, सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कह रहे हैं अपनी माँ से, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं, जब हमारी आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाएगा, पहला उत्सव मनाया जाएगा, तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा उत्सव अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। हर कोई चाहता है कि उसकी प्रसिद्धि हो, हर कोई चाहता है कि लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, तारीफें मिले। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इतना बड़ा काम करने वाले हैं, देश के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, और देश के लिए बलिदान हो जाने के बाद के लिए उसने सोच रखा है। वो अपनी माँ से कह रही कि माँ मेरी तस्वीर को ऐसे जगह पर रखना जहाँ से सारा उत्सव तो मैं देख सकूँ लेकिन लोग मुझे ना देख सके। तो माँ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों मेरे लाल? तो है ना, मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहां सारी दुनिया देख सके, ये माँ का कहना था। लेकिन बिस्मिल का कहना था कि नहीं माँ, मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहां से सारी दुनिया को मैं देख सकूं, सारी दुनिया मुझे ना देख सके। तो बिस्मिल ने कहा, नहीं माँ ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी। देखिए वो खुशी का मौका होगा, वो आज़ादी का जश्न चल रहा होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासियों के आंखों में आंसू आए। ये सोच, ये भावना राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर थी। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी।
तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाए, मेरे देश को आजादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए यह सहन नहीं हो सके। रामप्रसाद बिस्मिल का सोच देखिए, आजादी के जश्न पर वो लोगों की आंखों पर आंसू देखना नहीं चाहते। इस कारण से वो अपनी माँ से कह रहे कि माँ मेरी तस्वीर को कुछ ऐसे जगह पर रख देना जहां से लोग मुझे ना देख सके। तो माँ जो है अपने बेटे की इस अंतिम इच्छा को सुनने अपने बेटे से कहते हैं, हाँ मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल। मतलब माँ जो है अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करने वाला था। और अब देखिए माँ बेटे का बातचीत चल ही रहा है और जेलर साहब जो है घड़ी देखते हुए घड़ी की ओर इशारा करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल और उसकी माँ से कह रहे हैं, क्षमा कीजिए समय काफ़ी हो चुका है। माँ बेटे का ये संवाद, माँ बेटे का ये बातचीत है ना, मौत के एक दिन पहले की ये घटना, मन में क्या बीत रहा होगा उस माँ के अंदर, उस बेटे के अंदर जो अपनी माँ से सदा सदा के लिए बिछड़ने वाला था, उस माँ से जो अपने बेटे से बिछड़ने वाला था। तो जैसे ही जेलर साहब ने घड़ी को इशारा किया, संकेत किया कि समय काफ़ी हो चुका है, तो माँ कहती है, चलती हूँ जेलर साहब। और माँ जो है अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए बेसन के लड्डू निकालती है। बेसन के लड्डू जो है रामप्रसाद बिस्मिल जी को बहुत पसंद थे। तो माँ जो है अपने बेटा से कहता है, ले बेटा ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ, माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। तो बिस्मिल बेसन के लड्डू को देखकर उसके अंदर उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, खुशी आ जाती है और कहते हैं, हाँ माँ मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो माँ को देखो अपने बेटे की पसंद भी पता है कि उसके बेटे को क्या चीज़ पसंद है। अब बिस्मिल जो है हिचकिचाते हुए, उसको ये लग रहा था कि जेल के अंदर हूँ, जेलर साहब कहीं इजाज़त ना दे कि मैं अपनी माँ की जो है हाथ से बना हुआ लड्डू खा सकूँ। तो बिस्मिल हिचकिचाते हुए लेकिन माँ जेलर साहब की ओर इशारा करते हैं और माँ मुस्कुरा कर कहती है, चिंता ना कर बेटे, मैंने जेलर साहब से पहले ही पूछ लिया, पहले ही मैंने उससे परमिशन ले लिया था ये लड्डू है ना आपको देने के लिए। कहते हैं कि जेलर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। तो बिस्मिल कहते हैं, लाओ माँ अपने हाथ से ही खिला दो, ये अंतिम पल, ये अंतिम समय है जब राम प्रसाद अपनी माँ के हाथ से कुछ खाने वाला है ना। और उसकी माँ जो है बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्रेम के साथ अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए अपने बच्चे को लड्डू खिलाते हैं। और बिस्मिल जी कहते हैं कि माँ ये बची हुई लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। तो माँ जो है बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अंतिम जो है विदा ले रही है और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अच्छा मेरे लाल मैं चलती हूँ। अब बिस्मिल जो है अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बने। बिस्मिल चाहते हैं कि जिस माँ ने मुझे इस जन्म में है ना इस धरती पर लाया और मातृभूमि के लिए कुर्बान किया, मैं चाहता हूँ उसी माँ की गर्भ में, उसी माँ की कोख से मेरा फिर से जन्म हो। और माँ कहते हैं, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर ऐसा बोलते बोलते रामप्रसाद बिस्मिल की माँ की आंखों से आंसू निकलने लगता है, गला रुंध जाता है। वो रोना नहीं चाहते थे लेकिन कोई भी माँ कितना भी अपने आप को कठोर कर ले, कितना भी अपने दिल को पत्थर कर ले, लेकिन अपने बच्चे से अंतिम विदा लेते समय उसकी आंखों से आंसू आ ही जाएगा। तो ये दृश्य आप यहाँ पर कल्पना कीजिए, माँ बेटे का वो मिलन और माँ बेटे का वो बिछड़ना, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। तो बिस्मिल आश्चर्य से, माँ यह क्या, या तुम्हें अचानक क्या हो गया। और इसी चीज से रामप्रसाद बिस्मिल डरते थे, कहीं मेरी माँ मुझसे मिलकर रोने ना लगे और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मेरे मार्ग में अड़चने ना पैदा कर दे, रुकावटें ना पैदा कर दे। इसी चीज से रामप्रसाद बिस्मिल को डर था और वही अंतिम समय में हो गया। अब माँ कहते हैं आंसू पोंछते हुए चुपके से जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा कुछ भी तो नहीं, माँ छुपा रहा है अपने बच्चे से।
कुछ भी नहीं हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। अब बिस्मिल बोलते हैं, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? तो माँ फिर चालाकी से अपने बच्चे से झूठ बोलते हुए कहते हैं, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है? तो बिस्मिल बोलते हैं, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। और इसी कारण तो रामप्रसाद मिलना नहीं चाह रहा था ना, कि उसकी माँ जो है उसे मिलकर जो है भाव विभोर हो जाए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, ये इस चीज़ नहीं चाहता था रामप्रसाद, और वही अंतिम समय में हो रहा है। तो माँ आश्चर्य से और दुख से कहता है, रामप्रसाद यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर नछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उसके कदमों को नहीं डगमगा सकती। ये अपने बच्चे को हौसला दे रहा है, ये अपने बच्चे की हौसला अफजाई कर रहा है एक माँ। जितना वीर, जितना साहसी और जितना त्यागी रामप्रसाद था अपने देश के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा वो माँ के अंदर वीरता थी, वो माँ के अंदर त्याग था, जो अपने जवान बेटे को अपने देश के लिए बलिदान कर रहा है। तो बिस्मिल कहते हैं, मैं भी अब तक अड़ी ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी होगी। तो रामप्रसाद नहीं चाहते थे कि माँ रोए। तो माँ ने कहा, मेरा दुख तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तो क्या कह रहा है बेटा? मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो जैसा तुम जो है सोच रहे हो। तो बिस्मिल कहता है, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले जो आंसू है वो कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। स्वाभाविक सी बात है, दुख तो होगा ही। तो माँ हंसकर कहते हैं, पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। और ये रामप्रसाद को पता है कि वो आंसू किस चीज़ के थे, और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो आंसू किस चीज़ के थे। लेकिन माँ अपने बच्चे से हंसकर बात को टालते हुए कह रहे कि बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं। तो बिस्मिल जो है माँ से कहते हैं, माँ मैंने समझा था कि अब माँ अपने बच्चे से लास्ट जो शब्द जो कहते हैं, अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? मतलब जेलर साहब को पूछ रहे हैं कि जेलर साहब, कल मेरे बेटे को फांसी होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे के जो है फांसी के मौके पर मैं वहाँ उपस्थित रहूँ। तो जेलर साहब कहते हैं, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। जेलर साहब ने कह दिया कि ऐसी इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। बिस्मिल जो है अपनी माँ से कहता है, ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया है, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे क्या फर्क पड़ता है? तो माँ कहती, तो ठीक कहता है मेरे लाल, अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा कर, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर उसकी माँ हाथ फेरती है और बिस्मिल अपने माँ के पैरों को अंतिम बार छूता है, अपनी माँ को प्रणाम करता है। और बिस्मिल की माँ जो है जेलर साहब को कहते हुए वहाँ से विदा ले लेते हैं। जेलर साहब के साथ धीरे धीरे रामप्रसाद बिस्मिल की माँ प्रस्थान करती है और बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो यही वो घटना थी जिस घटना का जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, रामप्रसाद बिस्मिल की मौत के एक दिन पहले की घटना है, जिसको एकांकी के रूप में श्री योगेश चंद्र शर्मा ने बखूबी हमारी इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। और बहुत सारे चीज़ हमको इस पाठ के जरिए बता गया, सिखा गया कि मातृभूमि से बड़ा और कुछ नहीं है। और इस पाठ में हमें वो चीज़ पता चला कि कैसे एक वीरांगना माँ अपने बच्चे को अपने देश के लिए कुर्बान कर देती है, और हमको उस वीर बेटे के बारे में भी पता चला जिस जो अपने देश के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देती है। चलिए अभ्यास कार्य देखते हैं, आप सब अपने मोबाइल को जो है माइक को अनम्यूट कर दीजिए आंसर देने के लिए। पहला प्रश्न, रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे और उन्हें फांसी की सजा क्यों हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, हाँ हाँ बोलो, रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिवीर थे। जी हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिवीर थे और उन्हें फांसी की सजा, जो उसने ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूटा था, सरकारी खजाना को, उसके कारण उसको फांसी की सजा हुई थी।
चलिए दूसरा प्रश्न, वेरी गुड, आपका आंसर सही था। बिस्मिल ने माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की? अभी बीच में हम पढ़ रहे थे, संवाद चल रहा था, उसमें जिक्र आया है कि बिस्मिल ने माँ के सामने कौन सी इच्छा प्रकट की? जब हमारा देश आजाद आए तो मेरे फोटो को। वेरी गुड बेटा, धनेश्वरी विनोद, आपका आंसर सही है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा हो तो मेरी फोटो को ऐसी जगह पर रखना जहां से मैं सारे लोगों को देख सकूं और वो लोग जो है मुझे ना देख सकें, यही इच्छा प्रकट की। चलिए तीसरा प्रश्न, माँ को किस बात से गौरव का अनुभव हो रहा था, किस बात पर गर्व हो रहा था, बताइए। माँ को इस बात पर गर्व था कि उसका बेटा अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने वाला है, अपने देश के लिए बलिदान होने वाला है, इस बात से माँ को गर्व था। चलिए चौथा और अंतिम प्रश्न, अपनी आंखों में आंसू आने का माँ ने क्या कारण बताया? खुशी की। यस, माँ ने अपने बच्चे से कहा, विनोद, वेरी गुड, आपका आंसर सही है ना, माँ ने कहा कि बेटा ये तो खुशी के आंसू है, लेकिन आपको पता है, हमको पता है कि वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो दुख के आंसू थे जो अपने बच्चे से बिछड़ने के बाद उसके आंखों से आ रहा था। चलिए व्याकरण खंड से कुछ प्रश्न है, यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं और उसको उसका आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहला जो प्रश्न है, तमन्ना, तमन्ना का सही जोड़ी मिलाइए आप। इच्छा वेरी गुड धनेश्वरी, वेरी गुड बेटा, तमन्ना का मतलब होता है इच्छा। दूसरा प्रश्न है इसी का, कुर्बानी, कुर्बानी का सही जोड़ी मिलाइए। त्याग त्याग, त्याग वेरी गुड, कुर्बानी का मतलब होता है त्याग। तीसरा है कातिल, कातिल का क्या होगा? हत्या हत्यारा, वेरी गुड हत्यारा वेरी गुड, कातिल का मतलब होगा हत्यारा। हुक्म, हुक्म को क्या बोलेंगे? हुक्म का अर्थ होगा आदेश, आगे। जब कोई आदेश देता है तो उसको बोलते हैं, है ना। ठीक, चलिए पांचवा और अंतिम है, वो तो मिल ही जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। महफिल, सभा, सभा, वेरी गुड, आप लोगों ने पांचों प्रश्न का उत्तर सही बताया। ठीक है, चलिए आ गए नेक्स्ट, आप लोग के लिए होमवर्क है जिसको आपको घर में करना है, ये होमवर्क है। आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया उनकी सूची बनाना है। अब उसमें बहुत सारे, हमने एक क्रांतिवीर के बारे में आज की इस पाठ में पढ़ा, रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीर थे जिसने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को अर्पण किया, उनकी सूची तैयार करना है, उनका नाम आपको ढूंढकर, है ना, आपके नोटबुक पर, आपके कॉपी पर लिखकर आपको अपने बड़े को दिखाना है, अपनी माँ को, अपनी बहन या अपने भाई। ठीक है, इनके साथ ही साथ आप जो है कोशिश करना कि उन क्रांतिवीरों के जो तस्वीर है उसको भी आप ढूंढ सको, और नाम के साथ उसका तस्वीर भी आपको चस्पा करना है। तो ये आज का आप लोग के लिए होमवर्क है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।